एक ओवरस्पीडिंग कार ने दो लोगों की जान ले ली, लेकिन जो लड़का इस गाड़ी को चला रहा था उसे कुछ घंटों के बाद ही बेल दे दी गई। लेकिन जिन कंडीशंस पर ये बेल दी गई है वो इस समय चर्चा का विषय बनी हुई है। हाय एवरीवन, दिस इज मी स्मृति भारद्वाज एंड यू आर वाचिंग ट्रू स्कूप। वेदांत अग्रवाल एक ऐसा नाम जो कि आजकल बहुत लाइमलाइट में बना हुआ है। पुणे के एक फेमस बिल्डर के बेटे वेदांत अग्रवाल ने संडे मिडनाइट को अपनी तेज गाड़ी से कुछ लोगों के व्हीकल्स को टक्कर मारी, जिसमें एक बाइक पर सवार दो लोगों की मौत हो गई है। इसमें एक लड़का और एक लड़की भी शामिल थे। एज पर रिपोर्ट्स, जिन लोगों की इस हादसे में मौत हुई है उनका नाम अश्विनी कोष्ठा और अनीश अवधिया था। अश्विनी कोष्ठा की उम्र 24 साल की थी और वो मध्य प्रदेश के जबलपुर की रहने वाली थी। 2 साल पहले ही अश्विनी पुणे शिफ्ट हुई थी और उस समय वो अमेजोन कंपनी में काम कर रही थी। पिछले साल ही अश्विनी ने अपनी कंपनी शिफ्ट की और वो बाय प्रोफेशन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। अनीश अवधिया भी बाय प्रोफेशन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे और वो और अश्विनी दोनों सेम कंपनी जॉनसन कंट्रोल कंपनी में काम कर रहे थे। अनीश पिछले 2.5 साल से इसी कंपनी में काम कर रहे थे और अनीश इस कंपनी में एज अ बिजनेस एनालिस्ट जॉब कर रहे थे। जिस लड़के से पुणे में ये एक्सीडेंट हुआ है उसका नाम वेदांत अग्रवाल है, जिसकी उम्र सिर्फ 17 साल है। एक्सीडेंट के बाद उस एरिया में लोकल्स वेदांत को पकड़कर पीटते हुए दिखाई दिए। एक्सीडेंट के बाद वेदांत पर एक FIR भी रजिस्टर की गई, लेकिन सिर्फ कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस पर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने वेदांत को बेल ग्रांट कर दी। जिन कंडीशंस पर बेल ग्रांट की गई है उसे लेकर लोगों में काफी गुस्सा है। एज पर रिपोर्ट्स, वेदांत रात को 2:30 बजे एक पॉश क्लब से बाहर निकल रहा था और ये भी एलिगेशंस लगाए गए हैं कि वेदांत उस वक्त नशे में था और बहुत ही लापरवाही से गाड़ी चला रहा था। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने वेदांत को 2 हफ्तों के लिए ट्रैफिक पुलिस ऑफिशियल्स के साथ काम करने और साइकेट्रिक काउंसलिंग सेशंस अटेंड करने के लिए कहा है। इसी के साथ ही वेदांत को 300 वर्ड्स का एक रोड सेफ्टी पर ऐसे लिखने और साथ ही साथ रोड अवेयरनेस के लिए बोर्ड्स बनाने के लिए भी कहा है। जिन कंडीशंस पर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने वेदांत को ये बेल ग्रांट की है उसे लेकर लोगों में काफी गुस्सा है और सवाल ये है कि दो लोगों की मौत के बाद इन कंडीशंस पर किसी को बेल देना जस्टिफाइंग है या नहीं।